बहुत सारे सप्लीमेंट्स की तरह एक और सप्लीमेंट है जिसके बारे में मुझे मल्टीपल क्वेश्चंस आए और काफ़ी कंफ्यूजन है सप्लीमेंट के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग इसको रिकमेंड करते हैं लेकिन बहुत सारे जो टॉप स्टडीज़ हैं और जो बहुत सारे टॉप स्पोर्ट्स रिसर्चर्स वगैरह भी हैं वो इसे डायरेक्ट सप्लीमेंटल फॉर्म में इसको कोई मेजर इसका बेनिफिट नहीं बताता, रिकमेंड नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंट या ये इंग्रेडिएंट है ये काम नहीं करता, उनके हिसाब से इसके रीजंस अलग हैं कि क्यों इसको सप्लीमेंटल फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं होती। और ये सप्लीमेंट है HMB। HMB के ऊपर आपने देखा होगा सडनली एक काफ़ी रेज मार्केट में शुरू हो गई है, काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं भाई ये क्या सप्लीमेंट है, क्या कोई ये मिरेकल सप्लीमेंट है, स्पेशल मसल बिल्डिंग के लिए है। काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं इसे प्रमोट करते हैं कि भाई आप HMB ले लीजिए, इट कैन बी अ बेनिफिशियल सप्लीमेंट। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे और मैं जो इससे रिलेटेड मैंने इस पर एक ई बुक लिखी है HMB के ऊपर, उस ई बुक में इसकी मल्टीपल स्टडीज़ जो पॉसिबल थी मैंने सारी स्टडीज़ दी हैं और उसके बाद इसका फाइनल कंक्लूजन बताया है कि क्यों ये इंग्रेडिएंट तो बेनिफिशियल है लेकिन क्यों इसका सप्लीमेंट लेने का आपको कोई यूज़ नहीं है। HMB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटायरेट। ये जो अमीनो एसिड होता है ल्यूसिन, उसका एक नेचुरली अकरिंग मेटाबोलाइट है जो बॉडी में बनता है, नेचुरली अकर होता है। अगर आप इसका प्रोसेस देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन इन बेसिक जो है मैंने अपनी ईबुक में भी दिया हुआ है। आपके लिवर में जो ल्यूसिन होता है वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले एक कंपाउंड में जिसे हम कहते हैं KIC, और KIC जो है वो फर्दर फिर कन्वर्ट होता है HMB में। रिसर्च में देखा गया है कि जो HMB अमाउंट आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है अगर आप उसे ल्यूसिन सप्लीमेंट देते हैं, ल्यूसिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं, तो ये HMB की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब ये लाइन सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए जो एक्चुअली में एक फॉर्मल कंक्लूजन भी है कि अगर आप ल्यूसिन रिच फूड्स ले रहे हैं या ल्यूसिन सप्लीमेंट ले रहे हैं या इवन वे प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि क्यों ल्यूसिन सप्लीमेंट भी प्रूव हो चुका है क्लियरली कि बिल्कुल इनइफेक्टिव होता है अगर आपका वे प्रोटीन या ओवरऑल जो प्रोटीन इनटेक है वो एडिक्वेट है। तो जब आप सप्लीमेंट्स को अनबायस तरीके से समझेंगे, उनकी प्रॉपर साइंस समझेंगे, आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में वर्ल्ड ओवर इसलिए इतने सालों से इतनी अमेजिंग फिजिक्स बन रही है विदाउट द यूज ऑफ दिस अमेजिंग सप्लीमेंट जो लोग क्लेम करते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी में जिस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, उनके डायरेक्ट सोर्सेज अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको इनको सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्रोटीन रिच फूड्स, चाहे वेज लें नॉनवेज लें, उनमें ल्यूसिन काफी अच्छे अमाउंट में होता है अगर आप में ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एडिक्वेट जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो वे है, जो वे प्रोटीन होता है, जो ल्यूसिन का सबसे रिचेस्ट सोर्स माना जाता है, अगर आप वो ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ल्यूसिन सेपरेटली लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, ऑलमोस्ट सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है। और अगर आपका बॉडी में ल्यूसिन एडिक्वेट है तो HMB भी एडिक्वेटली प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब आपको ल्यूसिन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है तो आपको HMB सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि जब आप किसी सप्लीमेंट को स्टडी करते हैं, उसकी पूरी स्टडी को कंक्लूड करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या चीज काम तो करती है लेकिन सप्लीमेंट लेने से किसका कितना यूज है। सेम इज विद BCA, BCA डेफिशिएंसी, एल कार्निटिन हो गया, इन सारी चीजों में यही चीज देखी गई है कि इनके रोल्स तो हैं, इनके यूजेस हैं, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती हैं, देखने को मिलती हैं, स्पेशली अगर आपका प्रोटीन इंटेक, चाहे आप होल फूड से भी ले रहे हैं, अगर वो एडिक्वेट है तो आपको इन सारे सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई सुपरफिशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करेगा या मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करेगा। अभी हम स्टडीज में और देखते हैं। काफी स्टडीज में ये दिखाया गया है कि ये जो सप्लीमेंट है ना HMB सप्लीमेंट, अगर कोई इंसान ले रहा है तो उसके लीन मसल मास में और मसल स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में या जिन पार्टिसिपेंट्स में HMB सप्लीमेंट्स को दिया गया और उनके कंपैरिजन में जिनसे इनको कंपेयर किया गया, वो काफी हद तक प्रोटीन डेफिशिएंट थे और अनसप्लीमेंटेड थे, उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया था। तो ऑटोमेटिकली ये जो कंपैरिजन है ये कोई बहुत ही स्ट्रांग वैलिड कंपैरिजन नहीं है। अगर आप मार्केट से HMB सप्लीमेंट खरीदते हैं तो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट लिखा होता है, जिस फॉर्म में HMB सप्लीमेंट आपको मिलता है, वो मिलता है कैल्शियम HMB के फॉर्म में। और इसलिए होता है क्योंकि जो कैल्शियम HMB फॉर्म है वो HMB को बहुत फास्ट एब्जॉर्ब कराता है और उसका जो पीक होता है बहुत जल्दी आ जाता है। ऑल्सो ये भी देखा गया कि जो HMB का कैल्शियम HMB फॉर्म है उसका जो बायोअवेलेबिलिटी यानी एब्जॉर्प्शन रेट है वो काफ़ी हाई होता है। रिसर्च में दिखाया गया कि अगर आप HMB सप्लीमेंट लेते हैं तो विद इन 1 to 2 hours ये आपकी बॉडी में पीक कर जाता है और उसके बाद ऑलमोस्ट 70-85% जो HMB है आपकी बॉडी उसे स्टोर कर लेती है। इसकी जो हायर लिमिट्स है उस पर कोई मेजर स्टडी तो नहीं हुई है लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट डोज लोग वर्ल्ड ओवर कंज्यूम करते हैं, जो लोग करते हैं, वो है अप्रॉक्सीमेटली 3 grams पर डे। ऑन द अदर हैंड आपकी बॉडी 0.2 से 0.4 ग्राम्स ऑफ HMB हर रोज ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रोड्यूस करती है। मेरी ई बुक में जो सबसे पहला एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किया है वो किया है HMB सप्लीमेंटेशन एल्डरली के ऊपर।
तो उसमें मैंने मल्टीपल रिसर्च स्टडीज डिस्कस करी हैं, जिनमें कुछ कंक्लूजन निकल कर आए हैं, जिनमें से पहला ये है कि जिन जिन स्टडीज में सिर्फ एचएमबी सप्लीमेंट दिया गया है उनमें उन एल्डरली में कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिला है, सिर्फ एचएमबी सप्लीमेंट। ऑन द अदर हैंड जिन पर्टिकुलर एल्डरली को काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स के साथ, जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ या ल्यूसिन वगैरह के साथ और प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट के साथ एचएमबी दिया गया, उनमें बेनिफिट देखने को मिला है। तो इंडिविजुअल एचएमबी का ऐसा कोई भी मेजर बेनिफिट एल्डरली में देखने को नहीं मिला। अब आता है स्पोर्ट्स में, फिटनेस में, वेट लॉस में, स्ट्रेंथ गेन में एचएमबी के बेनिफिट्स। जैसे मैंने बताया कि एचएमबी के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन जितनी स्टडीज एचएमबी के बेनिफिट स्पोर्ट्स और फिटनेस में प्रमोट करती हैं, जो मैंने दी हैं, उससे ज्यादा स्टडीज ये बताती हैं कि इसका कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट स्पोर्ट्स या फिटनेस के ऊपर नहीं होता। ऑन द अदर हैंड मल्टीपल स्टडी में एक चीज देखी गई है कि एचएमबी सप्लीमेंट अगर काम भी कर रहा है तो ये जो ल्यूसिन है उससे बेटर काम नहीं कर रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप ल्यूसिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी एचएमबी सप्लीमेंट से हर एक स्टडी में बेटर प्रूव हुआ है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है वो एचएमबी की प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ा देगा। ऑन द अदर हैंड मैंने इससे पहले जो आपको वीडियोस बताई उनमें ये भी बताया है कि ल्यूसिन सप्लीमेंट भी हर एक स्टडी में क्लियरली फेल हुआ है जहां पर एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक है या आप वे प्रोटीन ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कैसे कैसे सप्लीमेंट कट होते जा रहे हैं जब उनके ऊपर आप डीप रिसर्च करते जाएंगे। तो आपको आइडियली एचएमबी सप्लीमेंट की कोई भी सेपरेट जरूरत नहीं है अगर ल्यूसिन बॉडी में एडिक्वेट है, और ल्यूसिन सप्लीमेंट की भी आपको जरूरत नहीं है अगर ल्यूसिन के आप नॉर्मल प्रोटीन रिच सोर्सेज ले रहे हैं या वे प्रोटीन ले रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ और मेजर स्टडीज हुई हैं, मेडिकल स्टडीज जो एचएमबी की कैंसर और एचआईवी पेशेंट्स के ऊपर करी गई हैं, जिनमें दिखाया गया कि एचएमबी का एक्चुअली बेनिफिट है, स्पेशली जब वो मसल वेस्टिंग को प्रिवेंट करता है। लेकिन उन स्टडीज में भी क्लियरली बताया गया है कि जो ल्यूसिन सप्लीमेंट है या ल्यूसिन है वो इससे बेटर एक्ट करेगा मसल वेस्टिंग के लिए। तो एचएमबी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ल्यूसिन ले सकते हैं। लेकिन मैंने फिर बताया कि आप देखिए सीक्वेंस कैसे आ रही है, अगर आप एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं, आपके जो ओवरऑल प्रोटीन इनटेक है, तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। साथ में अगर आपने वे प्रोटीन ऐड कर दिया जो ऑलरेडी ल्यूसिन का रिच सोर्स है, तो आपको ना तो ल्यूसिन सप्लीमेंट की जरूरत है, ना बीसीए की जरूरत है, ना एचएमबी की जरूरत है। सो एक्चुअली में चाहिए क्या, गुड अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रोटीन। अगर आपको लग रहा है वो किसी रीजन से कम हो रहा है तो बेस्ट सोर्स क्या रहेगा, वे प्रोटीन, सिंपल। इसके बाद ये सारे सप्लीमेंट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी स्टडीज में एथलीट्स के ऊपर स्पेसिफिकली एचएमबी का बेनिफिट देखने को मिला भी है और उससे ज्यादा स्टडीज में बेनिफिट देखने को नहीं भी मिला है। हाउएवर जैसे मैंने आपको बताया कि एचएमबी सप्लीमेंट को सेपरेट लेने का लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताई कि सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि आपका ओवरऑल प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट है। अगर आपका ओवरऑल प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट आ रहा है फूड सोर्सेज से, आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ल्यूसिन और एचएमबी होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका ओवरऑल प्रोटीन इंटेक जो है वो इनएडिक्वेट है, तो साथ में सप्लीमेंट के लिए जो वे प्रोटीन है वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वे ल्यूसिन का सबसे रिच सोर्स है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरी वे प्रोटीन की सीरीज नहीं देखी है, वो इंडिया की सबसे एक्सटेंसिव सीरीज है, और उसके साथ जो मैंने इंडिया की फर्स्ट और सबसे एक्सटेंसिव बुक लिखी है वो भी वे प्रोटीन पे अवेलेबल है। आप उसे पूरा स्टडी करिए, आपकी सारी एम्बिग्युटीज और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहला सोर्स क्या है, होल प्रोटीन सोर्सेज, फूड सोर्सेज, अगर वो एडिक्वेट हैं किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कमी है, तो वे प्रोटीन विल बी द बेस्ट सप्लीमेंट टू बी एडेड जो ऑलरेडी ल्यूसिन का रिच सोर्स है। और अगर ऑलरेडी ओवरऑल प्रोटीन सोर्स एडिक्वेट है, वे भी जा रहा है, तो आपकी बॉडी में जब ल्यूसिन की कमी ही नहीं होगी तो आपकी बॉडी में एचएमबी की कमी भी नहीं होगी। तो आपको एचएमबी जो ल्यूसिन का मेटाबोलाइट है उसको सेपरेट लेने का कोई लॉजिक नहीं है। सो जब लोग मुझे बोलते हैं कि ये कोई स्पेशल बेनिफिट देगा, तो प्लीज अंडरस्टैंड जब मैं आपसे बोलता हूं कि स्पोर्ट्स या फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग कोई बहुत महंगा स्पोर्ट नहीं है अगर आप सप्लीमेंट के बेस पे चलें, क्योंकि मैक्सिमम सप्लीमेंट्स आप सिर्फ ले रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर मनी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते। आपकी बॉडी में मैं मल्टीपल ऐसी चीजें निकाल सकता हूं जो काम तो करती हैं, लेकिन उनका सप्लीमेंट लेने से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता। जिनमें से एक एचएमबी है, जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स बॉडी में हैं, उसका रोल है, लेकिन रोल का मतलब यह नहीं है कि उसका सप्लीमेंट एक्स्ट्रा लेने से रोल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम मैंने एल-कार्निटिन के केस में बताया था, एल-कार्निटिन का फंक्शन इज फैट ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक्स्ट्रा एल-कार्निटिन लेने से आपका फैट लॉस बढ़ जाएगा, जो कंपनीज क्लेम करती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एल-कार्निटिन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ द थिंग, कोई मेडिकल चीज है वो। ऑन द अदर हैंड वेजिटेरियंस के केस में भी लोगों को डाउट आता है, एल-कार्निटिन का कोई बेनिफिट देखने को मिला, कोई डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिली। इसी तरह एचएमबी है, तो ना तो आपको ल्यूसिन सप्लीमेंट की जरूरत है, ना आपको एचएमबी सप्लीमेंट की जरूरत है। आपको जरूरत है ओवरऑल प्रोटीन इनटेक की, और मैक्स टू मैक्स जो बेस्ट आप प्रोटीन ले सकते हैं या जो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं जो ल्यूसिन में बहुत रिच है, वो है वे प्रोटीन।
आई होप आपके दिमाग में अब ये एम्बिग्यूटी और डाउट क्लियर हो गया हो और आपके काफी जो है वो पैसे बच जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। आपको HMB सप्लीमेंट को सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी स्टूपिड।